गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में दोस्तों इस सीजन के आईपीएल का मैच नंबर 12 खेले जाने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। सबसे पहले दोस्तों यहां पर देख लेते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे पिच का बिहेवियर कैसे रहने। रिसेंटली खेले गए मैचेस को अगर आप लोग देखोगे तो एक हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है यहां पर। और बॉलिंग वाले सेक्शन पे पेसर को स्पिनर के मुकाबले ज्यादा एडवांटेज रहता है, मतलब यहां पर पेसर स्पिनर के मुकाबले में ज्यादा अच्छा करते हैं। देखो गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मैच हुआ था 2023 पे, 188 रन बने थे, 9 विकेट में 8 विकेट पेसर को थे। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 154 तक पहुंची, 9 विकेट में 9 के 9 विकेट पेसर को थे। किसे रहा एडवांटेज? पेसर को एडवांटेज रहा। उसके बाद खेले गए मैचेस को यहां पर देखो, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में मैच हुआ, गुजरात टाइटंस ने 233 बनाए 3 विकेट के नुकसान पे। मुंबई इंडियंस की पूरी टीम कोलैप्स हो गई, 10 के 10 विकेट गिरे, 10 में से 8 विकेट किसे मिले? पेसर को मिले, अगेन पेसर को एडवांटेज रहा। लास्ट मैच दोस्तों जो इस वेन्यू पे खेला गया, जो कि इस आईपीएल का इस वेन्यू का मैच नंबर 1 था, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में, गुजरात टाइटंस ने 168 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे, 5 विकेट पेसर को थे और सिर्फ 1 विकेट स्पिनर को था। बाकी मुंबई इंडियंस की टीम इस रन को चेज नहीं कर पाई, 9 विकेट गिरे थे, 9 में से 8 विकेट पेसर को थे। लास्ट टाइम भी मैंने यही बताया था कि रन तो बनने वाले हैं वेन्यू पे, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से पेसर को एडवांटेज रहेगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप लोग डेली विन करना चाहते हो और कंफर्टेबली विन करना चाहते हो, मतलब देखो वैसे तो आप लोगों ने वीडियो को देखकर अपने लिए टीम बनाना है, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, वीडियो पूरा देख नहीं पाते हैं, या थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए ना, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, 100% फ्री टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, एक पैसा किसी को नहीं देना है। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे लिंक है, लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, किसी भी पेड सर्विस से अच्छा रिजल्ट आप लोगों को इस ग्रुप पे मिलने वाला है। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। गुजरात टाइटंस के टीम पे आप लोगों को रिद्धमन शाह और शुभमन गिल ओपन करते हैं, फर्स्ट डाउन पोजीशन पे साई सुदर्शन खेलने आएंगे, उसके बाद विजय शंकर आते हैं, फिर डेविड मिलर आते हैं, फिर अजमतुल्ला उमरजाई आते हैं, फिर राहुल तेवतिया आते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को राशिद खान दिखेंगे, उमेश यादव दिखेंगे, स्पेंसर जॉनसन दिखेंगे, साई किशोर दिखेंगे और मोहित शर्मा दिखेंगे आप लोगों को। साई सुदर्शन जब टीम बैटिंग करने आती है तो साई सुदर्शन बैटिंग करने आएगा, और जब टीम बॉलिंग करने आएगी तो मोहित शर्मा बॉलिंग करने आएगा, उस टाइम पर साई सुदर्शन को रेस्ट दिया जाएगा, मतलब ये फील्डिंग नहीं करेगा, सिर्फ बैटिंग करेगा, ये बैटिंग नहीं करेगा सिर्फ बॉलिंग करेगा, इंपैक्ट प्लेयर्स हैं ये आपस में। बाकी सनराइजर्स हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड ओपन करने आते हैं, उसके बाद अभिषेक शर्मा, फिर एडल माकरम, फिर हेनरिक क्लासेन, उसके बाद अब्दुल समाद और शहबाज अहमद, उसके बाद बॉलिंग वाले सेक्शन पे पैट क्यूमिंस, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मारकंडे, जयदेव उनक्कड़ और उमरान मलिक आप लोगों को दिखेंगे। ट्रेविस हेड ये सिर्फ बैटिंग करने आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, फील्डिंग के टाइम पे ये अवेलेबल नहीं रहेगा। बाकी भुवनेश्वर उमरान मलिक ये सिर्फ बॉलिंग करने आएगा, बैटिंग के टाइम पर नहीं होगा, मतलब ये दोनों क्या है? इंपैक्ट प्लेयर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी माई इलेवन सर्कल ऐप को दोस्तों अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, सीरियसली। फर्स्ट प्राइज 1 करोड़, 1.5 करोड़ तो आप लोग देख ही रहे हो ना, ये बस एक शुरुआत है दोस्तों, आगे बहुत बड़े 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 प्राइज आप लोगों को दिखने वाले हैं, 3 करोड़ तक का आप लोगों को प्राइज दिखेगा, बट उसके लिए आप लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे इस ऐप का लिंक है, मेरे लिंक के थ्रू अगर आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लोगे ना तो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे आप लोगों को 20% रियल एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। क्रिक23 कोड को यूज करना है आप लोगों ने और ये रियल मनी होगा दोस्तों, मतलब 1000 रुपए डालोगे 1200 रुपए आएंगे, बाकी 1500 रुपए का इंस्टेंट बोनस मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे ही लिंक है, लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड कर लो। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों,
अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करते हो और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेते हो तो आप लोगों को हेड टू हेड की भी मेरी स्पेशल टीम आप लोगों को मिलती है माई 11 सर्कल ऐप की। तो मिस मत करो, सभी लोग नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से आपको पक्का से डाउनलोड कर लो। चलिए अब सेक्शन वाइज एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन पे गुजरात टाइटंस के टीम पे आप लोगों को दिखते हैं रिद्धमन शाह, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के टीम पे आप लोगों को दिखेंगे हेनरिक क्लासन। रिद्धमन शाह की अगर मैं बात करूं तो दो मैच पे अगर देखोगे तो 19 और 21 रन इन्होंने किए हैं। वेन्यू पे 20 के एवरेज से खेलते हैं, हेड टू हेड परफॉर्मेंस सही है, 9 मैच में 24 का इनका एवरेज है, प्लस विकेट कीपिंग के पॉइंट तो मिलते ही हैं, तो आप लोगों को अच्छा खासा पॉइंट दे सकता है रिद्धमन शाह और एक पंट पिक भी बन सकता है दोस्तों, क्योंकि ये भी बहुत ताबड़तोड़ खेलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पे हेनरिक क्लासन दिखेंगे, 6-7-5 और 2 मैच खेले, दोनों मैच में ही ताबड़तोड़ बैटिंग, 63 और 80 रन। बाकी इस वेन्यू पे सेम टीम के अगेंस्ट एक मैच खेला है जिसपे की 64 रन की पारी आई थी, बहुत अच्छे फॉर्म पर चल रहा है दोस्तों हेनरिक क्लासन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों प्लेयर रिद्धमन शाह और हेनरिक क्लासन दोनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों प्लेयर को आप लोगों ने पिक करना चाहिए। अब आ जाओ बैटिंग वाले सेक्शन में। बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को शुभमन गिल, विजय शंकर और डेविड मिलर दिखते हैं गुजरात टाइटंस की टीम पे। शुभमन गिल का अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया है, 31 रन और 8 रन, बट दोस्तों ध्यान रखिएगा इस वेन्यू पे शुभमन गिल के रिकॉर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद भी स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। 12 मैच में 40 का एवरेज है सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट और वेन्यू पे 13 मैच में 63 का इनका एवरेज है, क्लियर, दोनों के अगेंस्ट, मतलब वेन्यू पे भी सेंचुरी आ रखी है और सनराइजर्स हैदराबाद के भी अगेंस्ट सेंचुरी आ रखी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2-3 मैच नहीं चल रहा है ना, चलेगा तो सीधा आप लोग रिस्क लेकर एज अ कैप्टन ट्राई करके चलिएगा। बाकी मिडल ऑर्डर पे आप लोगों को दोस्तों विजय शंकर और डेविड मिलर खेलते हुए दिखेंगे। विजय शंकर 2 मैच में 1 मैच में 6 रन और 12 रन, वहीं डेविड मिलर ने 1 मैच में 12 रन और 21 रन। अब ये जो दो प्लेयर्स है विजय शंकर हो गया और डेविड मिलर हो गया, इनमें से एक प्लेयर को अगर आप लोग एज अ लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई करना चाहते हो तो किया जा सकता है। दोनों के पास हाई पोटेंशियल है, दोनों चल सकते हैं और जिस दिन चलेंगे तो मेगा ग्रैंड लीग के लिए एक पंट प्लेयर बनेंगे। स्मॉल लीग पे होपफुली कोई भी अपोनेंट लेकर नहीं आएगा तो वहां पर थोड़े से रिस्की रह जाएंगे अगर आप लोग इन दोनों को अपनी टीम पर पिक करोगे तो। बाकी सनराइजर्स हैदराबाद पे आप लोगों को मयंक अग्रवाल, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और अब्दुल समाद दिखते हैं। मयंक अग्रवाल की अगर मैं बात करूं तो पहले मैच में 32 रन और दूसरे मैच में 31 रन। ट्रेविस हेड पहले ही मैच खेलने आए और उसमें 62 रन की इन्होंने एक शानदार पारी खेली। बाकी हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा नहीं है मयंक अग्रवाल का, 2 मैच में 5 का एवरेज है। वेन्यू पे 3 मैच खेला है जिसमें से कि 1 मैच पे 99 नॉट आउट इन्होंने बनाया था, इस बात को ध्यान रखेगा स्टैट्स अच्छे है। बाकी ट्रेविस हेड जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, 62 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, ताबड़तोड़ ही खेलता है, जितने भी प्लेयर्स है ना सनराइजर्स हैदराबाद के टीम पे सारे ताबड़तोड़ प्लेयर है, उनमें से ट्रेविस हेड भी एक प्लेयर है। बट ये मत सोचिएगा ट्रेविस हेड बॉलिंग करेगा, जनरली करता है बट यहां पर नहीं करेगा आईपीएल पे, इस बात को ध्यान रखेगा, एज अ इंपैक्ट प्लेयर खेलता है, सिर्फ बैटिंग करेगा उसके बाद नहीं आएगा बॉलिंग करने या फील्डिंग के टाइम। अभिषेक शर्मा पहले मैच में 32 रन किए, दूसरे मैच में भी इन्होंने ताबड़तोड़ 63 रन की पारी खेली। बाकी हेड टू हेड 3 मैच में 37 का इनका एवरेज है, वेन्यू पे 1 मैच में 5 रन का इनका है। अब्दुल समाद डाउन द लाइन काफी नीचे खेलने आते हैं, 1 मैच में 15 रन, 1 मैच में बैटिंग नहीं। बाकी हेड टू हेड 1 मैच खेला है, 4 का एवरेज है, वेन्यू पे 1 मैच में 4 का एवरेज है, अब्दुल समाद को ड्रॉप किया जा सकता है। तो यहां से क्योंकि ये पिच दोबारा से बैटिंग वाले सेक्शन को फेवर करती है ना, तो इसीलिए यहां पर आप लोगों के ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर बताए मैंने आप लोगों को बैटिंग वाले सेक्शन पे, 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर बताए, शुभमन गिल, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा। बाकी विकेट कीपिंग वाले सेक्शन पे मैंने आप लोगों को रिद्धमन शाह और हेनरिक क्लासन बताया। अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग के लिए टीम बनाते हो तो इन 5 प्लेयर में से
चार प्लेयर को टीम पर रखना, एक प्लेयर को ड्रॉप करना, और एक प्लेयर जो आप लोग ड्रॉप करोगे उस प्लेयर के बदले आप लोग यहां पर किस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो? आप लोग यहां पर मयंक अग्रवाल को ट्राई कर सकते हो, विजय शंकर को ट्राई कर सकते हो और डेविड मिलर को ट्राई कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है सारा सेक्शन? अब आ जाओ अपने ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे। ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे गुजरात टाइटंस के टीम पे आप लोगों को अजमतुल्ला उमरजाई और राहुल तेवतिया खेलते हुए दिखेंगे। राहुल तेवतिया बॉलिंग नहीं करते हैं, फिफ्थ डाउन पोजीशन पे एज अ फिनिशर खेलेंगे। एक मैच में 22 रन, एक मैच में 6 रन, ड्रॉप करके चला जा सकता है। अजमतुल्ला उमरजाई की अगर मैं बात करूं तो पहले मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाले थे, 17 रन बनाए थे। दूसरे मैच में 11 रन बनाए, विकेट लेस गए थे पावर प्ले पे, पहला ओवर, तीसरा ओवर और पांचवा ओवर। अच्छी स्विंग करते हैं इसीलिए इन्हें पावर प्ले पे ओवर मिलता है। बैटिंग भी अच्छा कर लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बैटिंग पे ऊपर भी खेलने आ सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे ध्यान रखिएगा। अजमतुल्ला उमरजाई एक मस्ट पिक प्लेयर रहेगा। सनराइजर्स हैदराबाद के टीम से आप लोगों को एडन माकरम दिखेगा। एक मैच में 18 रन, दूसरे मैच में 42 रन, बाकी हेड टू हेड 3 मैच में 39 का एवरेज है। वेन्यू पे एक मैच खेला है जिसपे 10 का इनका एवरेज है। क्लियर? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये भी ताबड़तोड़ खेलता है और जल्दी आउट नहीं होता है। बाकी शहबाज अहमद की अगर मैं बात करूं तो पहले मैच में 16 रन और विकेट नहीं मिले थे, दूसरे मैच में बैटिंग नहीं मिला लेकिन एक विकेट निकाले, ओवर नंबर चौथा, छठा और दसवां डालेगा, इस बात को ध्यान रखेगा। वैसे यहां पर आप लोगों ने देखा पेसर को एडवांटेज है, स्पिनर को ज्यादा कुछ खास एडवांटेज नहीं है, इसलिए शहबाज अहमद भी ड्रॉप रहेगा। क्लियर? बाकी गिव अवे का क्वेश्चन सुनो। आप लोगों ने मुझे बताना है अजमतुल्ला उमरजाई इस मैच में कितने रन बनाएगा। अगर आप लोगों को लगता है 40 रन बनाएगा और 2 विकेट भी निकाल देगा 27 रन देके, तो ऐसे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का कमेंट सही जाता है तो नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड मिल सकता है। तो सभी लोग पार्टिसिपेट पक्का से कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इस गिव अवे का आप लोगों को बताऊंगा विनर कौन बना। बॉलिंग वाले सेक्शन को देखते हैं अब। बॉलिंग वाले सेक्शन पे कुछ प्लेयर्स के स्टैट्स बहुत शानदार है, ध्यान दीजिएगा। रशीद का ओवर नंबर छठा, आठवां, चौदहवां, उन्नीसवां, 2 विकेट निकाले थे, बाकी वेन्यू पे 11 मैच पे 14 विकेट है। हेड टू हेड परफॉर्मेंस खराब है, 3 मैच पे 1 विकेट है। उमेश यादव 2 दूसरा ओवर, चौथा ओवर 0 विकेट। यहां पर भी ये जो 2 विकेट मिले ये एकदम डेथ ओवर में मिला था, 20वां ओवर, जो कि ये कर रहे थे मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, तो वहां पर इन्हें मिला था विकेट। आई गेस 1 विकेट पीयूष चावला का था और 1 विकेट हार्दिक पांड्या का इन्हें मिला था। क्लियर? तो इतने अच्छे फॉर्म पर उमेश यादव भी नहीं है। स्पेंसर जॉनसन ओवर नंबर 10वां, 13वां, 15वां और 17वां, पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में 1 विकेट। ये प्लेयर इंपॉर्टेंट रह सकता है क्योंकि पेसर को एडवांटेज है, तो स्पेंसर जॉनसन काफी अच्छा एक बॉलर है जो कि यहां पर विकेट निकाल सकता है। साई किशोर 1 विकेट, 1 विकेट, ओवर नंबर 7वां, 9वां, 11वां, दोबारा से मैंने बोला स्पिन को एडवांटेज नहीं है, साई किशोर मेरे ड्रॉप रहेंगे। रशीद खान को आप लोग कंसिडर कर सकते हो स्टिल, बिकॉज रशीद खान विकेट निकाल लेता किसी भी कंडीशन पे। बाकी मोहित शर्मा के रिकॉर्ड बहुत शानदार है, 9 मैच पे 22 विकेट है, 4 विकेट 2 बार है, 5 विकेट 1 बार है, बाकी हेड टू हेड 12 मैच पे 18 विकेट है, ओवर नंबर 12वां, 16वां, 18वां, 20वां। इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा मोहित शर्मा, इस बात को ध्यान रखिए। मोहित शर्मा, स्पेंसर जॉनसन और रशीद का बॉलिंग वाले सेक्शन से गुजरात टाइटन्स के टीम से। सनराइजर्स हैदराबाद पे पैट क्यूमिंस ओवर नंबर 5वां, 9वां, 15वां, 19वां, पहले मैच में 1 विकेट, दूसरे मैच में 2 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 5 विकेट है। अच्छा रिकॉर्ड है इनका, पेसर को एडवांटेज है तो विकेट निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर ना भुवनेश्वर का रिकॉर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 मैच खेले हैं, 9 विकेट निकाल दिए यहां पर, 1 मैच में 4 विकेट, 1 मैच में 5 विकेट, और जो 5 विकेट निकाला था भुवनेश्वर ने वो गुजरात टाइटन्स के अगेंस्ट ही था, इस बात को ध्यान रखिएगा। हेड टू हेड भी 3 मैच में 7 विकेट है। कम लोग पिक करके चलेंगे दोस्तों क्योंकि विकेट जनरली मिलते नहीं है, बट ट्राई किया जा सकता है। मयंक मार्कंडे अगेन स्पिन, ओवर नंबर 8वां, 12वां, 14वां, 20वां, पहले मैच में 2 विकेट थे, दूसरे मैच में 5 विकेट, मैं ड्रॉप करके चलूंगा, स्पिन को उतना एडवांटेज नहीं। जयदेव उनक्कड़
ओवर नंबर दूसरा, ग्यारहवा, सोलहवा, अठारहवा, दो विकेट इन्हें मिले थे, ट्राई किया जा सकता है। तो यहां से इंपॉर्टेंट पैट क्यूमिंस, भुवनेश्वर कुमार और रशीद का, स्पेंसर जॉनसन और मोहित शर्मा, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर है बॉलिंग वाले सेक्शन से। इंपैक्ट प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो साई सुदर्शन फर्स्ट डाउन पोजीशन पे खेलने आएंगे, पहले मैच में 45 रन, दूसरे मैच में 37 रन, बाकी हेड टू हेड दो मैच में 29 का इनका एवरेज है, वेन्यू पे 7 मैच में 46 का इनका एवरेज है। अच्छे प्लेयर है दोस्तों, अच्छे फॉर्म पर है। बाकी उमरान मलिक एक ही ओवर डाला था, सातवां ओवर, मतलब एक ही सीजन था जहां पे उमरान मलिक चला था, उसके बाद अब चल नहीं रहा है, उतने खास फॉर्म पर नहीं चल रहा है अभी के टाइम, बट हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, दो मैच में 6 विकेट निकाले हैं और 5 विकेट होल्ड भी एक बार कर चुका है, तो पंट प्लेयर ट्राई किया जा सकता है। बाकी अभी के टाइम पे दोस्तों जो मेरी टीम है वो कुछ ऐसी है, रिद्धमन शाह और हेनरिक क्लासेन है, बाकी शुभमन गिल, एडन माकरम और ट्रेविस हेड है, बाकी बॉलिंग ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे अजमतुल्ला, उमर जाई, रशीद खान, अभिषेक शर्मा और पैट क्यूमिंस है, बॉलिंग वाले सेक्शन पे मोहित शर्मा और भुवनेश्वर कुमार है। आपके लिए जो एक प्लेयर है, आप लोग चाहो तो यहां से रिद्धमन शाह को हटा सकते हो, क्लियर, एक प्लेयर इसे आप लोग हटा सकते हो रिद्धमन शाह को, उसके बदले आप लोग यहां पर ट्राई कर सकते हो किसे, स्पेंसर जॉनसन को ट्राई कर सकते हो, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा ये प्लेयर ही है जिसे ट्रेड कर सकते हो, बाकी सारे प्लेयर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। कैप्टन दोस्तों इस मैच के लिए मैं शुभमन गिल को रखूंगा, बाकी वाइस कैप्टन का कंटेंडर थोड़ा सा डाउटफुल है, आप लोग चाहो तो ट्रेविस हेड को ट्राई कर सकते हो, हेनरिक क्लासेन को ट्राई कर सकते हो, या अजमतुल्ला उमरजाई को आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए वीसी के अच्छे कंटेंडर रहेंगे इस मैच। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों को मैंने बताया है कि माई 11 सर्कल ऐप पर हर दिन कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि जब सबसे बड़ा प्राइज मनी हो ना 3 करोड़ का, तब आप लोग विन करो। उसके लिए आप लोगों को ऐप को डाउनलोड करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे ऐप का लिंक है, लिंक के थ्रू ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है, आप सभी लोग जिम्मेदारी से खेलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।